हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब इसका मतलब क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी? मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की डिमांड पर इम्पैक्ट करेंगे। मतलब अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे, ठीक है, लेट्स से आप मार्केट में कोई कमोडिटी खरीदने गए, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पर आप ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे। कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में कोई कमोडिटी खरीदने जाता है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट करते हैं, वो आप अपने को समझना है। तो मैंने यहां पर कोई करीब 11 पॉइंट्स की लिस्ट बना ली है, बराबर, कि कौन कौन से 11 फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की डिमांड पर इम्पैक्ट करेंगे, और फिर अपन एक एक फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। पहला फैक्टर जो है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला फैक्टर जो है वो क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बराबर। सेकंड फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड फैक्टर है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फोर्थ फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। फिफ्थ फैक्टर है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सिक्स्थ फैक्टर है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। सेवेंथ फैक्टर है वेदर कंडीशंस। एट्थ फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट। नाइन्थ फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। टेंथ फैक्टर है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। और इलेवेंथ फैक्टर है ट्रेड कंडीशंस। कहने का मतलब ये 11 फैक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर की डिमांड पर इंपैक्ट करते हैं। मतलब ये 11 फैक्टर्स के बेसिस पर कंज्यूमर की डिमांड कम और ज्यादा होती है। क्लियर? अब अपन एक एक फैक्टर डिटेल में समझते हैं। पहला फैक्टर क्या है? देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलिए, अब आप खुद ही सोचिए किसी भी कमोडिटी के प्राइस का, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस का, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का उस कमोडिटी की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता होगा, डिमांड ऑफ द कमोडिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता होगा। चलो दिमाग लगाओ कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी तो क्या उसकी डिमांड चेंज होगी। मैंने आपको बताया हुआ है डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे आप? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सोचो, आप मार्केट में कुछ खरीदने गए और वो प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ गई। क्लियर? वो प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है, क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मतलब प्रोडक्ट महंगा हो गया। जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई तो आप मुझे बताओ उस कमोडिटी की डिमांड क्या होगी। सोचो आप, कोई प्रोडक्ट महंगा हो गया तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? ऑब्वियसली सर, प्रोडक्ट महंगा हो गया है, प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड हम कम करेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइसेस डिक्रीज हो गई, सस्ती हो गई, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? कोई प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी तो उस कमोडिटी की डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज होगी। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा होगा तो ऑब्वियसली महंगा होगा तो लोग खरीदना कम कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो गया, सस्ता हो गया प्रोडक्ट, तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड में, डिमांड ऑफ द कमोडिटी में आपको कैसा रिलेशनशिप देखने मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक? तो कभी भी कोई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी तो कमोडिटी की डिमांड में भी चेंज आएगा। प्रोडक्ट महंगा होगा तो डिमांड कम होगी, प्रोडक्ट महंगा हुआ तो डिमांड कम हो गई, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब कैसा रिलेशन है? इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर हो गया? ठीक, पहला, चलो पहला फैक्टर अपन ने समझ लिया। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर क्या है। सेकंड फैक्टर था अपना इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर समझते हैं कि भाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर से डिमांड का क्या लेना देना। आप मुझे बताइए क्या
कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड चेंज होती है क्या उसकी? अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होगा तो क्या डिमांड ऑफ द कमोडिटी भी चेंज होगा? लगता है आपको? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्यादा पैसे कमाने लगे, इनकम आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, आप ज्यादा पैसे कमाने लगे, तो आप बताओ ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? ऑब्वियसली सर, हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हम डिमांड भी ज्यादा करेंगे, तो डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा ना। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन मान लो आपकी इनकम कम हो गई, इनकम हो गई डिक्रीज, आप कम पैसे कमाने लगे, तो कम पैसे कमाओगे तो डिमांड भी कम करोगे, तो डिमांड भी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशनशिप है? बताओ कैसा रिलेशनशिप है? सर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बराबर। कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, मतलब डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शन हैं। कितने एक्सेप्शन? दो एक्सेप्शन हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन क्या? एक्सेप्शन। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने समझा कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है, बराबर है ना। अभी अपन ने देखा कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, मैं कम पैसे कमाऊंगा, इनकम कम हुई तो मेरी डिमांड भी कम होगी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन दो जगह ऐसी हैं, दो जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। आपको सोचना है कि कौन से ऐसे दो गुड्स हैं जहां मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो ज्यादा नहीं खरीदूंगा। आप सोचो, मैं ज्यादा, नॉर्मली क्या होता है, अपन ज्यादा पैसे कमाते हैं तो अपन ज्यादा खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है। लेकिन दो जगह ऐसी हैं कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा नहीं खरीदूंगा। पहली जगह, क्लियर, पहली जगह, पहले गुड्स जहां पर लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं तो भी वो गुड्स को ज्यादा नहीं खरीदते, वो है गिफिन गुड्स। कौन से गुड्स? गिफिन गुड्स, या उनको आप बोल सकते हो लो क्वालिटी गुड्स। अब गिफिन गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स में क्या होता है? गिफिन गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स में उल्टा होता है। कैसा उल्टा? आप खुद ही सोचो, मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीजेस, क्या आप लो क्वालिटी गुड्स खरीदोगे? बताओ, आप खुद ही सोचो, आप ज्यादा पैसे कमाओगे तो क्या आप लो क्वालिटी गुड्स खरीदोगे या हाई क्वालिटी गुड्स, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स खरीदोगे? ऑब्वियसली सर, हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स खरीदेंगे, तो लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? सर डिमांड तो डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? अभी अपन ने पढ़ा था नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन गिफिन गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स में क्या होता है? अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, मतलब गिफिन गुड्स में कैसा रिलेशनशिप देखने मिलेगा इनकम और डिमांड का? उल्टा, इनकम बढ़ी तो डिमांड कम, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर हो गया? सेकेंड जगह, अब सेकेंड जगह बताओ, सोचो आप कौन सी जगह ऐसा होगा कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो भी डिमांड ज्यादा नहीं कर। सर ऐसा करेंगे नेसेसिटी गुड्स में, एग्जाम्पल लेंगे सॉल्ट या मेडिसिन। आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या नेसेसिटी गुड्स में ऐसा होता होगा कि आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो ज्यादा खरीदते हो, ज्यादा नमक खा लेते हो, ज्यादा मेडिसिन ले लेते हो? नहीं सर, यहां पर तो ऐसा होता है कि इनकम इंक्रीजेस
और डिक्रीजेस, इनकम बढ़े या कम होए, डिमांड कांस्टेंट ही रहेगी। तो वापस एक बार रिवाइज करें, देखिए क्या इनकम के चेंज होने से कमोडिटी का डिमांड चेंज होता है? बिल्कुल होता है। अगर इनकम चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होगी। नॉर्मली क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है, अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। नॉर्मली यही होता है, बराबर। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, बराबर। कैसा रिलेशनशिप सर? इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है, मतलब डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शन है, मतलब यहां जहां पर यह रूल नहीं लगता, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं। पहली जगह है गिफिन गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स। गिफिन गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स में क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम कर देते हो, क्योंकि आप सुपीरियर क्वालिटी गुड्स लेने चले जाते हो। दूसरा है नेसेसिटी गुड्स, चाहे इनकम बढ़े या कम करे, नेसेसिटी है जितना है उतना ही लेंगे, तो डिमांड कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो ये हो गया अपना सेकेंड। अब थर्ड देखते हैं, प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलिए प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स थर्ड, प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स में दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के, ठीक है। रिलेटेड गुड्स इकोनॉमिक्स में कितने तरीके के बताए गए? दो तरीके के, पहला और दूसरा। चलो एक एक करके समझ लेते, कोई बात नहीं। पहला रिलेटेड गुड जो बताया गया वो बताया गया सप्लीमेंट्री गुड्स। क्या बताया गया? सप्लीमेंट्री गुड्स। और दूसरा रिलेटेड गुड्स जो बताया गया वो बताया गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के बताए गए? दो टाइप के बताए गए। एक बताएगा सप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा बताएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या? सप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जब आप मार्केट में कोई चीज लेने गए थे वो नहीं मिली तो उसके जैसी दूसरी मिल गई, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। क्लियर? पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बता रहा हूं, फिर अपन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। सप्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या होता है? सप्लीमेंट्री गुड्स यानी आप मार्केट में मान लीजिए टी लेने गए थे, टी नहीं मिली तो कॉफी मिल गई, सप्लीमेंट्री। एक नहीं मिला तो उसके जैसा दूसरा मिल गया। आप मार्केट में कोक लेने गए थे, कोक नहीं मिली तो पेप्सी मिल गई। तो सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब जब एक गुड नहीं मिला तो उसके समान ही दूसरा मिल गया, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल अपन लेते हैं कोक एंड पेप्सी, ठीक है। कोक एंड पेप्सी, सपोज अपन मार्केट में कोक लेने गए थे, फॉर एग्जाम्पल अपन मार्केट में क्या लेने गए थे? कोक। तो कोक अपनी कमोडिटी हो गई, क्योंकि अपन तो यही खरीदने गए थे। लेकिन मान लीजिए कोक नहीं मिलेगी तो अपन सप्लीमेंट्री गुड क्या हो गया उसका? पेप्सी हो गया। तो पेप्सी को अपन क्या मान लेते हैं? सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री कमोडिटी, ठीक। तो सप्लीमेंट्री गुड यानी क्या होता है? सप्लीमेंट्री गुड यानी जब आप एक चीज लेने गए वो नहीं मिली तो उसके जैसी दूसरी ले आए। क्लियर? कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी, ठीक है, इंक पेन एंड बॉल पॉइंट पेन, ये सब सप्लीमेंट्री गुड्स। लेट्स से अपन मार्केट में लेने गए थे कोक, कोक की प्राइस थी 10 रुपए, ठीक है, और पेप्सी भी 10 रुपए की मिल रही थी, मतलब उसका जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो भी 10 रुपए का मिल रहा था। तो मुझे बताओ कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ता है क्या कि वो कमोडिटी ले या उसका सप्लीमेंट्री ले? नहीं सर, चूंकि दोनों ही 10 रुपए के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहां तक करो। लेट्स से अब अपनी कमोडिटी का प्राइस तो 10 रुपए ही रहा, कमोडिटी का प्राइस तो 10 रुपए ही रहा, लेकिन उसका जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट था पेप्सी वो हो गया 12 रुपए का, मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए, सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए। तो आप मुझे बताओ कंज्यूमर कौन सी चीज ज्यादा खरीदेगा? सोचो आप, कोक पहले भी 10 का था अभी भी 10 का मिल रहा है, पेप्सी 10 की जगह 12 का हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़े, सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़े, तो जो लोग पेप्सी खरीदते भी होंगे वो कोक की तरफ आ जाएंगे, मतलब कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, आया ना। जैसे ही सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो कमोडिटी का डिमांड चेंज होगा। सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए
तो कोक की डिमांड भी बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग अब कोक खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए सप्लीमेंट्री तो 10 ओरिजिनल कमोडिटी जो है कोक, वो तो 10 रुपए की आती है, लेकिन ये हो गई अब 8 रुपए की, मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो गए, तो लोग क्या खरीदेंगे आप, कोक या पेप्सी? पेप्सी। तो कोक की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर सप्लीमेंट्री कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, क्या सप्लीमेंट्री कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ, हाँ, तो कमोडिटी का डिमांड चेंज होगा। प्राइस किसका चेंज होगा, सप्लीमेंट्री का, तो कमोडिटी का डिमांड चेंज होगा। अगर सप्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा, सप्लीमेंट्री कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, तो कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा। भाई पेप्सी महंगी हो गई तो लोग कोक खरीदेंगे, तो कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस कम हुए तो लोग सप्लीमेंट्री गुड्स खरीदेंगे, तो कमोडिटी का डिमांड कम हो जाएगा। मतलब आप मुझे बताओ, क्या सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखो, सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होता है तो कमोडिटी की डिमांड कम होती है। मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और कमोडिटी की डिमांड में कैसा रिलेशन है? सर, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है? जैसे ही सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो कमोडिटी का डिमांड भी चेंज हो रहा है। सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो कमोडिटी का डिमांड कम हो रहा है। मतलब कौन सा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया? चलो अपन एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, है ना? कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपन किसके बारे में समझे, सप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, है ना? इसको ऐसा Prices of supplementary goods, ठीक है? क्या पढ़ा अपन ने, If prices of supplementary goods changes, then demand of the कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। ये तो पढ़ा कि अगर सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो कमोडिटी का डिमांड भी चेंज होगा। अगर सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लीमेंट्री गुड्स महंगा हो गया, है ना, पेप्सी महंगी मिलने लगी तो कोक खरीदेंगे लोग, तो कमोडिटी का डिमांड, चलो सोचो क्या होगा, सप्लीमेंट्री महंगा हो गया तो लोग सप्लीमेंट्री छोड़ के कमोडिटी की तरफ आ जाएंगे, तो कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा, बराबर। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, सप्लीमेंट्री गुड्स सस्ता हो गया, तो लोग सप्लीमेंट्री गुड्स की तरफ चले जाएंगे, तो कमोडिटी का डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा, लोग कमोडिटी छोड़ देंगे खरीदना और सप्लीमेंट्री की तरफ चले जाएंगे, क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, अगर सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो कमोडिटी का डिमांड चेंज होगा, अगर सप्लीमेंट्री गुड्स बढ़ गए, महंगे हो गए, तो कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, अगर सप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया तो कमोडिटी का डिमांड भी कम हो जाएगा, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो यहां तक हो गया आपको, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अपन ने सप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में समझ लिया, ठीक है? कैसा रिलेशन होता है भाई, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। अब जैसे सप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या था, कि एक नहीं मिला तो दूसरा मिल गए, क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है ज्वाइंट गुड्स। क्या मतलब होता है? ज्वाइंट गुड्स। अब ज्वाइंट गुड्स का क्या मतलब हुआ भाई, ज्वाइंट गुड्स यानी क्या, ज्वाइंट गुड्स यानी जो एक के साथ दूसरा चाहिए ही चाहिए, पेन एंड रिफिल, पेन के साथ रिफिल चाहिए ही चाहिए, मोबाइल एंड सिम कार्ड, क्लियर? एक के बगैर दूसरा मिल गया तो वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री, एक के बगैर दूसरा मिल गया तो वो सप्लीमेंट्री, लेकिन जब एक के साथ दूसरा चाहिए तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ज्वाइंट गुड्स, है ना? इसको आप बोल सकते हो ज्वाइंट गुड्स, पेन एंड रिफिल, मोबाइल एंड सिम कार्ड, टी एंड शुगर, बराबर, कॉफी एंड मिल्क, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो चीजें जब एक साथ चाहिए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, पेन
एंड रिफिल का, ठीक है। पेन हो गया कमोडिटी, बराबर, पेन हो गया कमोडिटी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, रिफिल हो गया, रिफिल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। लेट्स से किसी पेन की रिफिल के प्राइजेस बढ़ गए, रिफिल महंगी हो गई, क्या आप वो पेन खरीदोगे? वो पेन की रिफिल महंगी हो गई तो पेन खरीदोगे? नहीं सर, पेन की रिफिल महंगी आती तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो क्या कमोडिटी की डिमांड चेंज हुई? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है यहां पर, रिफिल है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, रिफिल है। तो अगर जैसे ही रिफिल के प्राइजेस बढ़े पेन की डिमांड कम हो गई, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो कमोडिटी की डिमांड कम हो गई। लेकिन मान लीजिए कि पेन की रिफिल सस्ती मिलने लगी, प्राइजेस कम हो गए, अब रिफिल सस्ती हो गई तो लोग बोलेंगे यार इसकी पेन की रिफिल तो सस्ती आती है, पेन खरीद लो, तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो कमोडिटी की डिमांड भी चेंज होती है, क्लियर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगा होगा तो कमोडिटी की डिमांड कम होगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ता होगा तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। भाई टी एंड शुगर, शुगर सस्ती हो गई टी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, शुगर सस्ती हो गई तो टी ज्यादा पियेंगे लोग, डिमांड बढ़ जाएगी। शुगर कम हो गई, शुगर महंगी हो गई तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्लियर। मतलब कैसा रिलेशनशिप आपको देखने मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कमोडिटी में, सर इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्लियर। तो सप्लीमेंट्री गुड्स और कमोडिटी में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वहीं अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो तो कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। चलिए ये भी लिख लेते हैं, जैसे अपन ने सप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में लिखा वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस चेंज होने से कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है? बिल्कुल होती है, अभी अपन ने देखा। इफ प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंजेस देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो कमोडिटी की डिमांड भी चेंज होगी। इफ प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया तो लोग वो कमोडिटी खरीदेंगे जहां वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड लगता था, रिफिल महंगी हो गई लोग पेन खरीदेंगे नहीं, तो कमोडिटी डिमांड, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर महंगा हो गया तो भैया रिफिल महंगी हो गई तो पेन की डिमांड तो कम हो जाएगी। इफ प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, रिफिल सस्ती हो गई तो पेन खरीदेंगे लोग, बिल्कुल खरीदेंगे, तो कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो एक बार वापस समझ लेते हैं अपन, ठीक है। देखिए प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब जब एक नहीं मिलता तो उसकी जगह दूसरा मिलता है, तो कोक एंड पेप्सी, कोक नहीं मिली तो पेप्सी चल जाएगी। अब अगर पेप्सी का प्राइस चेंज होगा तो कोक की डिमांड चेंज होगी, बराबर। अगर सप्लीमेंट्री गुड महंगा हुआ तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, अगर सप्लीमेंट्री गुड सस्ता हुआ तो कमोडिटी की डिमांड कम होगी। मतलब कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज होगा प्राइस तो कमोडिटी की डिमांड भी चेंज होगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर महंगा हो गया तो कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर महंगा हो गया, रिफिल महंगी होगी तो पेन कौन खरीदेगा, पेन की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ता हो गया तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप, क्लियर। तो ये भी अपन ने समझ लिया। अब अगला फैक्टर क्या है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है।
अगला फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। चलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। चलो ये तो आपको खुद को सोचना चाहिए, क्या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है तो डिमांड चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होती है। लेट्स से किसी कंज्यूमर को पहले डोमिनोज का पिज्जा पसंद था तो वो डोमिनोज की डिमांड करता था, फिर बाद में उसको पिज्जा हट का टेस्ट पसंद आ गया तो पिज्जा हट की डिमांड बढ़ा देगा और डोमिनोज की डिमांड चेंज कर देगा। मतलब अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है, प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाती है। क्लियर? सिंपल है तो एकदम ठीक, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगला टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद क्या है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन। चलो अगला देखते हैं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगला फैक्टर जो डिमांड को इंपैक्ट करता है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। बताओ किसी जगह की अगर पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन इज मोर, कोई देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा ही रहेगी, डिमांड विल बी मोर। सिंपल, अगर किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम है तो जब लोग ही कम है तो डिमांड भी कम रहेगी, डिमांड विल बी लेस। सिंपल, तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन से भी डिमांड इंपैक्ट होती है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। क्लियर? चलो अगला फैक्टर देखते हैं, अगला फैक्टर क्या पढ़ना है अपने को? अगला फैक्टर है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अगला फैक्टर जो है वो है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है? सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, जहां आप रहते हो वहां कैसे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल कम है फीमेल ज्यादा है तो फीमेल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, मेल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। क्लियर? क्योंकि फीमेल कंज्यूमर्स ज्यादा है। लेट्स से यंग एज वाले लोग कम हैं, ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा हैं, तो ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा हैं तो जो ओल्ड एज पीपल को लगता है उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी और यंग एज वालों की डिमांड कम होगी। लेकिन अगर उल्टा है, यंग एज वाले लोग ज्यादा, यूथ ज्यादा है, तो यूथ के हिसाब से ट्रेंडी क्लोथ, रेस्टोरेंट्स, है ना, मल्टीप्लेक्सेस, उनकी डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि यंग एज ज्यादा है, तो डिपेंड। क्लियर? मान लीजिए लिटरेट लोग ज्यादा हैं, लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, इलिटरेट लोग कम हैं, तो लिटरेट लोग ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा तो अलग तरीके की डिमांड होगी। इलिटरेट लोग, अगर इलिटरेट लोग ज्यादा होंगे तो अलग तरीके की डिमांड होगी। सो सोसाइटी में किस तरीके के लोग रहते हैं उसके बेसिस पर भी डिमांड डिपेंड करती है कि ज्यादा होगी, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी और कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब अगला देखते हैं, अगला है वेदर कंडीशंस। क्लियर? अगला फैक्टर क्या है जो डिमांड को इंपैक्ट करता है? वेदर कंडीशंस। चलिए वेदर कंडीशंस, क्या वेदर कंडीशंस का डिमांड पर कोई इंपैक्ट है? क्या वेदर कंडीशन से डिमांड चेंज होती है? सोचो। सर बिल्कुल होती है, अगर समर वेदर है ना, अगर समर सीजन चल रहा है, समर सीजन का वेदर है, तो ऑब्वियसली कूलर एसी की डिमांड ज्यादा होगी। वहीं अगर विंटर आ गया तो फिर आपको जैकेट्स, स्वेटर्स, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर रेनी सीजन आ गया तो रेनकोट, अम्ब्रेला, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है कंज्यूमर की डिमांड भी क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर? चलिए अगला फैक्टर देखते हैं, अगला फैक्टर क्या है? वेदर हो गया, एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? अगला फैक्टर क्या है? एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट, चलो बताओ क्या एडवर्टाइजमेंट का डिमांड से कोई इंपैक्ट है? बिल्कुल, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे
उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज्यादा होगी क्योंकि लोगों को उसके बारे में उतना ज्यादा पता चलेगा। तो मोर एडवर्टाइजमेंट डिमांड विल बी मोर, ठीक है, ज्यादा इंपैक्टफुल आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। आप देखो क्यों एड कंपनीज जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, टूथपेस्ट ले लीजिए, सोप ले लीजिए, है ना, डीओ ले लीजिए, क्यों सेलिब्रिटी लेकर आते हैं वो लोग, क्यों सेलिब्रिटी से ऐड करवाते हैं, ताकि लोगों को याद रह जाए, इतना इंपैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट हो। तो जितना ज्यादा आप इंपैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ज्यादा उस कमोडिटी की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, बराबर। अगला जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगला फैक्टर जो डिमांड को इंपैक्ट करता है वो कौन सा है, गवर्नमेंट पॉलिसी। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी का डिमांड से क्या लेना देना, गवर्नमेंट पॉलिसी। चलो ये तो आप सोचो गवर्नमेंट पॉलिसी का डिमांड से क्या लेना देना, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने से क्या प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है? आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी, ऐसा लगता है आपको कि उतनी रहेगी? बिल्कुल होगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर टैक्स रेट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट महंगा हो गया, टैक्स रेट बढ़ गया तो प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी दे दी, सब्सिडी दे दी मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, तो जब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो भाई बनाने में खर्चा कम आएगा, है ना, जो मैन्युफैक्चरर है वो तो सस्ते में बना लेगा क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो ऑब्वियसली जब सस्ता बनेगा तो बिकेगा भी सस्ता, तो प्राइसेस कम रहेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज होती है। गवर्नमेंट अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा देगी तो महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे टैक्स कम कर देगी या सब्सिडी देगी तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्लियर। अगला फैक्टर जो डिमांड को इंपैक्ट करता वो क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, क्लियर। अगला फैक्टर जो डिमांड को इंपैक्ट करेगा क्या है, वो है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, लेट्स से देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन पेट्रोल का, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन पेट्रोल का। आपको पता चलता है कि पेट्रोल की कल प्राइजेस, कल मतलब फ्यूचर प्राइस, कल ना, आज नहीं, कल फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है। आपको पता चलता है कि कल पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आप बताओ आप प्रेजेंट में, आज प्रेजेंट में डिमांड ज्यादा करोगे या कम? आपको पता चला कल पेट्रोल महंगा होने वाला है और आपको भरवाना ही था, ठीक है, आपकी गाड़ी में आपको पेट्रोल भरवाना ही था, पहले आप कल भरवाने वाले थे, आपको पता चला गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया कल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो आप आज ही भरवा लोगे, मतलब आप प्रेजेंट में क्या करोगे, प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा दोगे। तो जैसे ही कंज्यूमर को पता चलता है यार कल कोई चीज महंगी होने वाली है, आपको गोल्ड खरीदना था और कल गोल्ड महंगा होने वाला है तो आप आज ही खरीद लोगे ना, क्यों महंगे में खरीदोगे? तो अगर किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होती है तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाती है, लोग बोलते हैं अभी खरीद लो। लेकिन मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर प्राइस डिक्रीज होने वाली है, मतलब आपको पता चला कि कल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और आपको भरवाना है और कल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो आप बोलोगे यार आज कैसे भी काम निकाल लूं, ठीक है मैं कल भरवा लूंगा, आज आप नहीं भरवाओगे क्योंकि आपको मालूम है ना कल सस्ता होने वाला है, तो प्रेजेंट में डिमांड क्या करोगे, प्रेजेंट में डिमांड भी डिक्रीज कर दोगे। अगर कोई चीज अगर फ्यूचर में महंगी होने वाली है, कल महंगी होने वाली है तो आप आज उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, आज ही खरीदोगे, फ्यूचर में सस्ती होने वाली है, कल सस्ती होगी तो आज क्यों खरीदोगे, आज उसकी डिमांड आप क्या करोगे, कम कर दोगे, बराबर, आज उसकी डिमांड आप क्या करोगे, कम कर दोगे, क्लियर हो गया, समझा। तो कोई चीज अगर फ्यूचर में महंगी होने वाली होती है, कोई चीज अगर फ्यूचर में महंगी होने वाली है तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी, कोई चीज अगर फ्यूचर में सस्ती होने वाली है तो मैं कल खरीदूंगा तो प्रेजेंट में डिमांड कम हो जाएगी, क्लियर। सो अपन ने फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन भी देख लिया। अब जो फैक्टर बचा वो कौन सा फैक्टर बचा आपका, ट्रेड कंडीशंस, द लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट डिमांड, कौन सा, ट्रेड कंडीशंस। अब ट्रेड कंडीशंस क्या होता है, ट्रेड कंडीशंस मतलब कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है।
अब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो किसी भी कंट्री में दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। या तो वो कंट्री में बूम हो रहा होगा या तो वो कंट्री में रिसेशन आ रहा होगा। बूम तब होता है जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जब कोई कंट्री ग्रो करती है, सबके पास पैसा होता है। तो आप बताओ अगर बूम फेज में है इकोनॉमी, बूम कंडीशन है, सबके पास पैसा है, सबके पास नौकरी है, ठीक है, सबके पास सब पैसे कमा रहे हैं, सबके पास जॉब्स हैं, किसी की नौकरी नहीं जा रही है, तो सबके पास पैसा है, सबके पास नौकरी, सब अच्छा चल रहा है, तो डिमांड ज्यादा होगी कि कम? ऑब्वियसली सर, जब सबके पास पैसा है, सबके पास नौकरी है, सब कुछ है, तो डिमांड तो ज्यादा ही होगी ना, डिमांड विल बी मोर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो लोगों की नौकरियां जा रही है, नौकरियां जा रही हैं तो लोगों के पास पैसा है क्या अभी? नहीं। देखो सब काम धंधे सबके बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तो किसी के पास पैसा ही नहीं बचा, तो वो क्या हो गया? रिसेशन आ गया, उसको बोलते हैं रिसेशन। जब सबके पास नौकरियां, सबके पास पैसा होता है तो उसको बोलते हैं बूम, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी कोरोना के कारण देखो दुकानें बंद, फैक्ट्रीज बंद, सब बंद हो गया, लोगों की जॉब जा रही है, सब हो रही है, तो लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। जब पैसे की कमी हो गई तो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं, तो डिमांड क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो इकोनॉमी कौन से कंडीशन से जा रही है ना, आपकी कंट्री में कैसी कंडीशन है? सब अच्छा है तो डिमांड ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं बूम कंडीशन। लेकिन अगर रिसेशन फेज में है भाई, लोगों के पास नौकरियां ही नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं, तो डिमांड होगी लेस। क्लियर? सो दीज आर अबाउट फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर?